ग्रामीण टीवी में आप सबका हम स्वागत करते हैं। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन बहुत तेजी से फैल रहा है। 15 दिनों में दुनिया के 57 देशों तक पहुंच गया। ओमिक्रॉन का पहला मामला 24 नवंबर को सामने आया था। इस बीच WHO के यूरोप कार्यालय ने बताया कि यूरोपीय देशों में 5 से 14 साल के बच्चों में ये संक्रमण सबसे अधिक देखी जा रही है। WHO यूरोप के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर हैंस क्लुग ने कहा कि COVID-19 से होने वाले मृत्यु दर पहले की तुलना में काफ़ी कम है, लेकिन पिछले 2 महीनों में कोरोना के मामले और मौत की संख्या दुगुनी हुई है। इस बीच ओमिक्रॉन लोगों को तेजी से अपनी चपेट में ले रहा है। वहीं WHO के एक अधिकारी का कहना है कि दुनिया में इस वक्त लगाए जा रहे कोरोना के टीके कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से लड़ने में सक्षम है। स्वास्थ्य संगठन की ओर से एक और बयान आया, जब दक्षिण अफ्रीका की एक लैब में परीक्षणों के बाद यह पाया गया कि ओमिक्रॉन पर फाइजर के टीके का आंशिक असर ही हुआ है। WHO के डॉक्टर माइक रयान ने कहा कि ऐसा कोई संकेत नहीं है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट एक वैक्सीन का असर बाकी वेरिएंट की तुलना में कम होगा। जर्मनी में कोरोना के चलते हालात एकदम गंभीर है। देश में एक दिन में 527 कोविड मरीजों की मौत हुई है। यह संख्या 12 फरवरी के बाद सबसे ज़्यादा है। जर्मनी में कोरोना से अब तक 1,00,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। यहाँ पिछले 24 घंटों में लगभग 70,000 नए केस मिले हैं। यहाँ अब तक 62,00,000 लोग जो हैं कि संक्रमित हुए, जिनमें से लगभग 50,000 लोग पूरी तरह ठीक हो गए हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट का 2 रूप सामने आया है। 1 महीने में पिछले दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन B11529 का पता चला था, जिसे WHO ने वेरिएंट ऑफ कंसर्न बताया था। अब ओमिक्रॉन के 2 रूप BA1 और BA2 का पता चला है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि नए रूपों को लेकर किसी तरह की खतरे की बात नहीं है, यह ज़्यादा खतरनाक नहीं है। हमारे देश में ओमिक्रॉन के मामले सामने आने के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर बुधवार को ये कहा कि वायरस के नए वेरिएंट के मरीजों का उपचार केवल निर्धारित कोविड अस्पतालों के पृथक वार्ड में ही करना होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने पत्र में कहा कि सुनिश्चित किया जाए कि इन अस्पतालों में स्वास्थ्य कर्मी वायरस से बचाव के पर्याप्त उपाय अपनाएं, ताकि मरीज अन्य लोगों में खतरा फैलने का डर ना रहे। ग्रामीण टीवी के दर्शकों से मेरी गुजारिश है कि अब तक अगर आप लोग वैक्सीन नहीं लिए हैं तो जितना जल्द हो सके आप वैक्सीन ले लें, ताकि किसी भी तरह के वेरिएंट से आपका शरीर जो है कि लड़ने के लिए मजबूत रहे। वीडियो अगर अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।